अगर ओली आ रहे हो आप उत्तराखंड, तो ओली आने के बाद उससे ऊपर की ट्रैकिंग मत करना, पैसा वेस्ट है। ₹1000 भाई गाइड ने लिए, परमिशन के अलग दिए हैं। उसके बाद अगर घोड़े से या गधे से बैठ के अगर आप आते ऊपर, तो 1200-1300 रुपए लेते हैं। और भाई ऊपर आकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली सिर्फ ये बंजर पहाड़, बर्फ के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो भाई कभी भी ओली आओ ना, जोशीमठ आओ, तो भाई ओली से ऊपर मत आना। बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पर सब लोग, बेवकूफ हमारे भाई, बिन फालतू के पैसे गए। ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, ना मतलब ना कुछ खाने को है, ना पीने को, कुछ भी नहीं है। खाली ऐसा लग रहा है खाली बंजर पहाड़ है और कुछ नहीं, हल्की फुल्की बर्फ देखने को मिल रही है बस। इसके चक्कर में इतने पैसे लग गए, बताओ। यहाँ पर मैं जा रहा था ऊपर भाई, ओली ओली से 3.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। और यहाँ से सीन ये हुआ कि भाई थक गया बहुत ज्यादा, कम से कम अभी 1 किलोमीटर ही चढ़ पाए हो, अभी 2.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी बाकी है। हालत खराब हो रही है यार, पर मजा भी बहुत आ रहा है। पर ये कि इस बार भाई अकेला निकला हूँ घर से, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और काफी चीज नई नई जगह देखने को मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, तो इसलिए मजा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा। अब जाता देखता हूँ ऊपर, अभी यहाँ पर कोई बर्फ वगैरह तो मिली नहीं। किसी से मैंने पूछा था तो भाई कह रहा था ऊपर जाके बर्फ मिलेगी, कम से कम यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा, तो वही कर रहा हूँ अभी। ऊपर जाते वक्त मुझे एक जगह मिला है जहाँ पर मैं अपना रात बिता सकता हूँ भाई, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह को। ये रहा वो जगह, यहाँ पर कोई है नहीं और रात को मैं सेफ भी रहूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ छोटा सा टूटा फूटा छत टाइप में बना हुआ है। ये रहा, ये छत टाइप बना हुआ है, रात को अगर बारिश वारिश या बर्फ कुछ पड़ता है तो मैं सेफ रहूंगा। यहाँ पर मैं अपना रेनकोट बिछा लूंगा और उसके ऊपर सो जाऊंगा, क्योंकि मैं यार काफी नीचे अपना बाइक खड़ी करके आया हूँ। अब मुझे नहीं लगता भाई मैं ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ पाऊंगा। और यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि ये लोहे का कुछ है, ये मैं साइड में ऐसे खड़ा करके यहाँ पर मैं लकड़ी वकड़ी कुछ इकट्ठे करके लाके उसे ढक दूंगा, जिससे कि मैं हवा से भी बचूंगा। और आग जलाने के लिए मैं दिखाता हूँ क्या इस्तेमाल करूंगा, आग जलाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इन चीजों को, जैसे ये सूखे जो गोबर है, ये मैं अभी थोड़ा धूप में कर देता हूँ इस चीजों को। और जब ये सूख जाएगा ना अच्छे से, तो उसमें ये ट्यूब काट के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ा सा ट्यूब जला लूंगा और उसके अंदर ऊपर से ये गोबर के ये डाल दूंगा। इससे क्या रहेगा कि रात भर आग जलती रहेगी, और उसके लिए मुझे लकड़ियाँ भी ढूंढना पड़ेगा। ये जो टीन का हिस्सा है ये वाला मेरे काम आएगा, छोटा वाला टुकड़ा, ये उठा के मैं इधर पैनल के साइड कहीं लगा दूंगा। और जो वो पुराना चेयर पड़ा हुआ किसी का टूटा हुआ कोई फेंक गया है, इसको मैं अपने इस्तेमाल में लूंगा। और आसपास देखता हूँ मैं कुछ मिल जाए तो, और आग जलाने के लिए एक चीज और मिल गई, वो मिल गया, क्या करूंगा मैं मुझे दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ। आग जलाने के लिए मैं पता किस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा, ये देखो ये टीन का डब्बा दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करूंगा मैं आग जलाने के लिए। इसके अंदर आग जला के रखूंगा तो पूरी रात जलता रहेगा। और एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे को फिलहाल ये रहा मिल गया, ये रहा ये वाला लकड़ी का टुकड़ा, मैं छोटा छोटा पीस में काट के उसके अंदर डाल दूंगा, पूरी रात ये जलता रहेगा और मैं लकड़ी इकट्ठी कर लूंगा। ऊपर जाते हुए नीचे तक पहुंचा था, वहां पर परमिशन लेना पड़ रहा था और बिना गाइड के ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। काफी रिक्वेस्ट कर लिया, सब कर लिया, पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला था सर ने मना कर दिया, कह रहे नहीं बिना गाइड के ऊपर नहीं जा सकते भाई, मजबूरी में गाइड करना पड़ा है। ये रहा भाई आगे आगे चले गए, देखना भाई ये भाई हमें ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैं कह रहे थे यहाँ पर बिना गाइड के ऊपर जाते ऐसे लोग, पिछले साल भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, इस वजह से अब गाइड कंपलसरी कर दिया है, ताकि कोई टूरिस्ट वगैरह आए तो किसी के साथ कोई हादसा ना हो। भाई ऊपर चढ़ते वक्त सांस फूल रही है बहुत ज्यादा, थकावट भी हो रही है, अभी बर्फ वगैरह कुछ मिला नहीं है रास्ते में। भाई से पूछा तो कह रहा है ऊपर जाके मिलेगा, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ट्रैक करना उसके बाद मिलेगा, तो चलो ऊपर चल के देखते हैं भाई बर्फ मिलती नहीं मिलती। अभी मैं पहुंचा हूँ नंदा देवी का जो पार्क है, वहाँ का जो रिजर्व एरिया फॉरेस्ट है वहाँ पर। यहाँ पर भाई गाइड से पूछा भालू वगैरह आ जाते हैं, तो कह रहा है हाँ आ जाता है, पर दिन में तो नहीं आते, रात के टाइम आते हैं। यहाँ पर जंगल देखो कितना खूबसूरत है यार। फॉरेस्ट गॉड टेम्पल के पास पहुंच गया मैं, दिखाता भाई पास जाके, फॉरेस्ट गॉड टेम्पल के पास जाके दिखाऊंगा अभी आपको। तो यार एकदम खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल रही है ऊपर चढ़ते हुए, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है ऊपर चढ़ने। अब भाई ट्रैकिंग का मज़ा लेना है तो पैदल चलना पड़ेगा। दिखाता भाई छोटा सा टेम्पल बना हुआ है, मस्त लग रहा है भाई देखने में। ये रहा भाई फॉरेस्ट गॉड टेम्पल। भाई इसके बारे में कुछ बताओगे, ये मतलब कैसे स्थापित हुआ यहाँ पर, कब से है ये टेम्पल? टेम्पल आपका द्वापर युग से यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ के ग्वाली लोग रहते हैं, शिवसेलर्स लोग, हाँ वो इस देवता को ज्यादा मानते हैं। अच्छा, आपकी जैसे टूरिस्ट के लिए हो गया, हाँ वाइल्ड एनिमल्स जो पालने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्स काउ सीप, तो उनके प्रोटेक्ट के लिए गॉड यहाँ पर माने जाते हैं, माने जाते हैं। बाकी डिफेंस जैसे आर्मी ITBP, हाँ यहाँ पर स्नो नहीं पड़ती है तो यहाँ पर स्नो पड़ जाती है पूजा करने से, ये मान्यता है यहाँ पर। ये काफी पुराना टेंपल है और काफी कहते हैं लोग कि यहाँ पर कोई अगर विश मांग ले तो पूरी होती है, और काफी विख्यात टेम्पल ये आपका पडियार, लोकल में इसको पडियार देवता कहते हैं, लोकल में पडियार देवता जी। ये रहा भाई बोर्ड लगाओ, बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है पडियार देवता। अब मैं आपको मंदिर के पास लेके जा रहा हूँ, जिसे भाई कुछ मांगना हो मांग लेना, क्योंकि जो आ सकता है वो ठीक है, जो नहीं आ सकता वो भाई वीडियो में देख लो और मांग लेना जिसे जिस मांगना है।
ये देखो भाई, जूम करके भी दिखा दिया मैंने, पर लग बड़ा मस्त रहा यार, छोटा सा बना हुआ है, खूबसूरत लग रहा है। ये देखो अभी पहुंचा मैं टेबल टॉप, जो बुग्याल का टॉप पॉइंट है वहां पर, पूरे भाई लोग आ रहे हैं वहां से। पर हाँ, यहाँ पर थोड़ा रास्ता सही है, चढ़ाई में आसानी होगी। भाई अगर औली आ रहे हो आप उत्तराखंड, तो औली आने के बाद उससे ऊपर की ट्रैकिंग मत करना, पैसा वेस्ट है। 1000 रुपये, पूरे 1000 रुपये भाई गाइड ने लिए, परमिशन के अलग दिए हैं। उसके बाद अगर घोड़े से या गधे से बैठ के अगर आप आते हो ऊपर, तो 1200-1300 रुपये लेते हैं। और भाई ऊपर आकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली सिर्फ ये बंजर पहाड़, बर्फ़ के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो भाई कभी भी औली आओ ना, जोशीमठ आओ, तो भाई औली से ऊपर मत आना, बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ पर सब लोग, बेवकूफ़। हमारे भाई बिन फालतू के पैसे गए, ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, ना मतलब ना कुछ खाने को है, ना पीने को, कुछ भी नहीं है, खाली ऐसा लग रहा है खाली बंजर पहाड़ है और कुछ नहीं, हल्की फुल्की बर्फ़ देखने को मिल रही है बस। इसके चक्कर में इतने पैसे लग गए, बताओ। यहाँ पर मुझे वहाँ पर जाना, उस टॉप पे जूम करके दिखा दो आपको, ये रहा, इस टॉप पे जाना मुझे, इस टॉप पे, क्योंकि भाई पीछे तो हमारा बेवकूफ़ बन गया, पैसे भी चले गए और सही से देख भी नहीं पाए, ना बर्फ़ है ना कुछ है, खाली है, देखो सूखे पहाड़ है, मूड ख़राब हो गया सारा, पैसा का पैसा चला गया। अब थोड़ा इन्जॉय करना है तो भाई उधर ऊपर जाना पड़ेगा। औली का ट्रैक भाई मेरा पूरा हो गया, मतलब जो एक्टिविटी वगैरह करना था वो मैंने कर लिया, और ये बर्फ़ में स्लाइडिंग वगैरह कर लिया भाई, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। तो भाई मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, बड़ी मेहनत करी इस बारी, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। भाई जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो एक नया दोस्त बना है ये हमें नीचे तक छोड़ गया बॉक्स को, ये देखो भाई ये दे ये सुन।